हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं रामायण की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए हम उस रहस्यमयी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। रामायण में एक ऐसा भी वक्त आया कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी अपने नेत्र को दान करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने के लिए वन में एक बार मां दुर्गा का 9 दिनों का अनुष्ठान करना चाहा, तो उन्होंने अनुष्ठान करने के लिए सारी सामग्रियों का एकत्र करने के लिए अपने सारे दूतगढ़ को उन्होंने कार्य को सौंपा। तो उसी में से एक कार्य था, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने दूत हनुमान जी को 108 पुष्प की मालाओं का लाने के लिए आदेश दिया। तो हनुमान जी ने किंचित मात्र की भी देरी ना करते हुए उन्होंने जंगल से 108 पुष्प की माला लेकर आए और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 108 पुष्प की मालाओं का काउंट किया, गिनती किया। फिर प्रभु सूर्य अस्त का समय भी आया और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माँ दुर्गा का अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान मग्न होकर माता दुर्गा का अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जब अनुष्ठान शुरू होने के कारण फिर से पुष्प की माला को गिनती की गई तो वो 107 ही था। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ध्यान मग्न होकर सोचा। उस वक्त हनुमान जी ने बोला, हे प्रभु, आपकी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हम दोबारा ही जाते हैं, एक पुष्प लेके आते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोला, हे हनुमान, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके सारे कार्य पूरे हुए। राम जी ने अनुष्ठान को शुरू किया। उस वक्त माँ दुर्गा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसमें से एक पुष्प को उन्होंने गायब कर दिया। फिर राम जी ने अनुष्ठान को शुरू किया और अपने नेत्रदान का निर्णय लिया और माता दुर्गा नौ दुर्गा का अनुष्ठान करना उन्होंने शुरू किया। माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और फिर माँ दुर्गा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न होकर बस वरदान दिया। वो वरदान था कि रावण को मारने के लिए माता दुर्गा ने राम जी को वरदान दिया कि हे राम जी, आप जाइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जाकर रावण जैसे दुराचारी का संहार कीजिए और उसे मारकर अयोध्या वासियों को पुनः फिर से राज्य को स्थापित कीजिए। इसी वक्त राम जी ने माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया और रावण को मारने के लिए वो युद्ध में निकल गए। फिर दशहरा के दिन रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों हुआ और इसी दिन से दशहरा का पर्व शुरू किया गया। यही कहा जाता है कि रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक ऐसी भी परीक्षा से सामना करना पड़ा जो उन्होंने अपने नेत्रों का किंचित मात्र भी सोचते न हुए उन्होंने अपने नेत्रों का दान किया और अपना अनुष्ठान को पूरा किया और फिर रावण जैसे दुराचारी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संहार किया। इसीलिए हिंदुओं के पर्व में दशहरा एक ऐसा पर्व आता है जहाँ पर रावण का दहन अभी भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई गलती लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए है तो आप वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं, जिस पे हम अपना एक अच्छा योगदान देके आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे नए नए सर्च आउट करके हम आप लोगों के पास रखें, जो हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं और मान्यताएं हैं जो अभी भी हिंदू धर्म में बहुत मान्य हैं। जय श्री राम, राधे राधे।